हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूपाली है और मैं अभी बीटीसी कर रही हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दिया है। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैं अपने शरीर को भी मेंटेन करके रखती हूँ और रोज सुबह ही व्यायाम भी करती हूँ, जिससे कि मैं फिट रह सकूँ। और मेरे भाई की उम्र 21 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे की बात भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, राहुल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? राहुल बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसी मिले तब तो प्रयास करूंगा। इतने में ही वहां पर मम्मी आ गई और राहुल को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं था। शायद मम्मी और राहुल अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी, तभी माँ और राहुल भाई मार्केट से आ गए, तो मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वह अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। मैं अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे पर डोरे नहीं डाला था। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे रूपाली तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं नेहा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि नेहा यार, कोई उपाय बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। नेहा मुझे गुस्से से देखी और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी, इधर मैं भी जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई राहुल को देखा। मुझे तो उसको देखकर मेरा होश उड़ गया। राहुल अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतना मेहनत करके पैसा लाते हैं और हमें पढ़ने के लिए देते हैं, लेकिन यह सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं उसी गुस्से में घर चली आई और राहुल के आने का इंतजार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी यह सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। फिर शाम के समय जब राहुल घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वह टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, राहुल तुम मार्केट में लड़कियों के साथ क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो, वरना तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूमू, उनके साथ घूमने में काफी मजा आता है और मेरे लिए यही समय है। अब नहीं घूमू तो कब घूमू? वह मुझसे गुस्से में भी बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है उनके साथ नहीं घूमू, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तो राहुल तुरंत बोला, जैसे लड़कियां मेरे साथ घूमती हैं, अब से तुम मेरे साथ घूमो भी और मेरी जरूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उससे कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमूंगी? तो इस पर राहुल बोला, तो फिर ठीक है मुझे मत समझाओ, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैं अब तक यह सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा भाई भी मेरे साथ ऐसा कुछ करने की सोच सकता है। मुझे तो लगा था कि बाहर का कोई लड़का ही मेरे साथ पहली बार क्रिकेट का खेल खेलेंगे, लेकिन ये बातें सुनने के बाद मुझे लग गया था कि मेरा भाई ही मेरे जवानी का उद्घाटन करेगा और मेरी ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलने वाली ख्वाहिश को पूरा करेगा। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। फिर मुझे कुछ दिन पहले की भी बात याद आ गई कि वह मुझे कैसे देख रहा था। मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं? अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उन लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी,
और अगर हाँ बोलूंगी तो वह मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद मुझे भी उसकी जरूरत है और ये बात घर में ही रहेगी, इससे हमारी इज्जत भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो राहुल के कमरे में चली गई। अब मैं भी उसके लिए बेताब हो रही थी। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है राहुल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे, बाद में तुम्हें जो करना है वह कर लेना। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम उन लड़कियों के साथ भी आज के बाद मत दिखाई देना। वह बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन मैं वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, आज वह दिन आ ही गया। फिर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी। चूंकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर मैं पापा और राहुल नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और राहुल शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर राहुल ने मुझे कपड़ा दिलवा दिया और अपने लिए भी कपड़ा ले लिया साथ। मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई राहुल मुझसे कहने लगा, चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी। हम एक कमरे में चले गए। कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था तो मैं लाइट जलाने को कहा। इस बात पर मेरा भाई भी राजी हो गया। वह मुझसे कहने लगा कि हाँ लाइट जला लो, मुझे आज सब कुछ साफ साफ देखना है। और उसने लाइट जला दी और धीरे धीरे करके क्रिकेट खेलने की तैयारी करने लगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन समुद्र की लहरों की तरह उठ रही थी। वह साफ साफ किसी भी सामने वालों इंसान को सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरा भाई इतना वाइल्ड था कि धीरे धीरे करके मेरे साथ वह सारी चीज करने लगा जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। राहुल को मैं नहीं, बस उसकी ख्वाहिश से ही दिख रही थी। वह किसी भी हालत में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था, जो कि उसने किया। और वह बहुत देर तक मेरे साथ क्रिकेट का मस्त वाला खेल खेलता रहा। उस दिन पहली बार मेरे भाई ने मेरे साथ क्रिकेट की तीन परियों का जबरदस्त ताबड़तोड़ खेल खेला था। उसके बाद जो होना था वह हो गया। मेरा भाई भी काफी खुश था और साथ साथ मुझे भी काफी खुशी मिली। अब मेरा भाई बहुत ज्यादा सुधर गया है। वह किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और शाम को मेरे साथ क्रिकेट की पारी खेलता है। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। मुझे भी मजबूरी में यह सब करना पड़ा था, लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था क्योंकि मुझे भी मजा तो मिल ही रहा था। लगभग 4 महीने बाद मेरा स्कूल टीचर का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मैं वहां चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।